हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। साथियों, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ सहित जितने भी राज्य जहां पर लोकसभा चुनाव हो रही थी, तमाम जगहों पर आचार संहिता समाप्त कर दी गई है। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आचार संहिता हुई ख़त्म। चुनाव आयोग ने जारी की विधिवत सूचना, अब विभागीय व प्रशासनिक कामों में आएगी तेजी। अर्थात अब जितने भी काम हैं, विभागीय कार्य हो चाहे भर्तियों से संबंधित कार्य हो, वो सभी कार्य रुक गई थी। अब जो है प्रदेश में ये कार्य अब तेज़ी से होने लगेगी, क्योंकि प्रदेश में आचार संहिता समाप्त कर दी गई है। देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आचार संहिता खत्म हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी जो है विधिवत जो जानकारी है राज्यों को भेज दी है। देश में लोकसभा विधानसभा उपचुनाव को लेकर 16 मार्च से देश में आचार संहिता लागू की गई थी। अर्थात 16 मार्च से आचार संहिता लागू कर दी गई थी, जो कि आज अर्थात 6 जून को आचार संहिता समाप्त कर दी गई है। अब जितने भी युवा बेरोजगार जो कि लगातार जो है भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CGPSC की भर्ती हो या CGVyapam के माध्यम से अनेक भर्ती हो, तो अब जो है उनकी इंतज़ार अब ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जितने भी शासकीय कार्य है, चाहे वित्त विभाग में परमिशन को लेकर कार्य हो या किसी अन्य प्रकार के कार्य हो, चाहे किसी भी विभाग में भर्ती का रूप में, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, उच्च शिक्षा विभाग की बात करें, तो सभी जगहों में जो रुकी हुई भर्तियाँ हैं, वह भी अब जो है यथावत शुरू हो जाएंगी। इसमें जो है अब युवा बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आज की तैयारी में जो है आचार संहिता को समाप्त कर दिया गया है। अब अपनी तैयारी को करते रहें साथियों, क्योंकि बहुत जल्दी जो है आपको शिक्षा विभाग वाले साथियों को मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, 35,000 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो भी साफ नज़र आने लगा है। क्योंकि आचार संहिता ख़त्म होने के बाद जो है यदि वित्त विभाग इतने पदों पर परमिशन दे देती है, तो बहुत जल्दी जो है 33,000 पदों पर भर्ती की भी घोषणा संभावित है। तो बिल्कुल आपका देखिए, यदि गुड न्यूज़ की मैं बात करूँ तो आखिर ये गुड न्यूज़ कब आएगी, तो जो गुड न्यूज़ है CGTET की परीक्षा होनी है। 23 जून को CGTET आयोजित किया जाना है। तो इतना आप मान के चलिए मित्रों कि जो है CGTET की परीक्षा की समाप्ति के बाद जो है शिक्षक भर्ती को लेकर पॉजिटिव अपडेट हमें मिल सकती है, और ये पॉजिटिव अपडेट जो है CGTET के बाद ही संभावित है मेरे दोस्तों। लेकिन जो है जिस तरह से बातें निकल आ रही है, उसके हिसाब से जो है वित्त विभाग में यदि परमिशन मिलती है, तो उनकी जानकारी CGTET के एग्ज़ाम से पहले ही हमको प्राप्त हो जाएगी। हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे, जो भी वित्त विभाग की अपडेट रहेंगी हम आप तक साझा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।